बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। दिस इज़ मायरा अमजद, वेलकम टू सेंचुरी प्रेस एंड पब्लिशर्स। डियर स्टूडेंट्स, आप इंजॉय कर रहे हैं अपने लेटर्स को? जी, वेरी गुड। और हमारा लास्ट लेटर भी तो जी ही था ना? वेरी गुड, आपने साथ साथ लेटर भी बता दिया और मेरे क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। आज हमने एक नया लेटर सीखना है जो कि है H। क्या है H? और ये क्या है इसका साउंड? इसके साउंड के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इसका साउंड है, जब आप ब्रश करते हैं तो आप अपना हाथ अपने फेस के आगे रख के करते हैं ना, तो ये बन जाता है H का साउंड। जी ठीक है बच्चों, तो आपने देखना है कि यह है कैपिटल लेटर H और यह है इसका साउंड यानी कि स्मॉल लेटर। और क्या है इसका साउंड? आज हमने H की स्टोरी सुननी है। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, मुझे तो बहुत मज़े की लगी है और बड़ा सस्पेंस भी है इसके अंदर। तो चलें अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। क्या होता है कि हमाद और हसन दोनों बैठकर कार्टून्स देख रहे होते हैं। कौन से कार्टून्स? स्नोमैन वाले कार्टून्स। स्नोमैन वाले कार्टून्स देख रहे होते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मैदान होता है जहाँ पे स्नो फॉलिंग हो रही है यानी कि बर्फबारी। एक बड़ा सा हाउस होता है, हाउस के सामने स्नोमैन बना होता है और स्नोमैन के सर पे होती है मैजिक हैट। क्या होता है? मैजिक हैट। और ये हैट सबको चाहिए होती है और सब लोग उस दूर दराज के एरिया में वो मैजिक हैट लेने के लिए आते हैं। और वो क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर पर बैठकर आ रहे होते हैं। हसन और हमाद ये कार्टून्स देख ही रहे होते हैं, जैसे ही हेलीकॉप्टर आता है हसन और हमाद की मामा आ जाती हैं और कहती हैं जल्दी से अपने हैंड वॉश कर लो और खाना खा लो। हसन और हमाद थोड़े से सैड होते हैं, टीवी बंद करते हैं और उठ के अपने हैंड्स वॉश करते हैं। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो अम्मी कहती हैं कि जो बच्चा जल्दी खाना खा लेगा वो अपने कार्टून्स दोबारा से देख सकता है। इस बात पर हसन और हमाद बहुत हैप्पी हो जाते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं और वापस जाके अपने कार्टून्स देखने लग जाते हैं। है ना मजे की स्टोरी? अच्छा, इसके साथ साथ आपने एज के बहुत सारा वर्ड्स भी सीखे हैं। बताएं कौन कौन से वर्ड्स हैं? हाँ जी, हा हाउस। और ये क्या था? स्नोमैन के सर पे क्या थी? हैट। हैट और सारे कार्टून्स किसके अंदर आ रहे थे? हेलीकॉप्टर। जी आपके पास हेलीकॉप्टर है आपके टॉयज में? अच्छा, मुझे तो हेलीकॉप्टर बहुत पसंद है। मेरे घर में एक बेबी है, मैंने उसको प्लास्टिक का हेलीकॉप्टर लेकर दिया है और वो उससे बहुत खेलता है। आपके पास भी होगा। अब हमारा काम है राइटिंग। जी तो चलें जल्दी से प्री राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। आपने अपनी फिंगर्स की मदद से अपनी बुक के पेज पर एच को ट्रेस करना है। कैसे ट्रेस करना है वो मैं बता देती हूँ। आपने क्या करना है, कैपिटल लेटर एच लिखने के लिए आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, उसके सामने एक और स्ट्रेट लाइन लगानी है और इन दोनों स्ट्रेट लाइन को एक स्लीपिंग लाइन से मिला देना है। जब आप स्लीपिंग लाइन से इनको मिला देंगे तो ये बन जाएगा कैपिटल लेटर H। जी अब हमने लिखना है स्मॉल लेटर यानी कि साउंड ह। और वो कैसे लिखेंगे? हमने लिखना है सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद गो अप, मेक अ कर्व एंड देन गो डाउन। क्या करना है? स्ट्रेट लाइन, गो अप, मेक अ कर्व एंड देन गो डाउन। ये बन जाएगा हमारा यानी के स्मॉल लेटर H, जिसको हम बेबी लेटर भी कहते हैं। आपने प्री राइटिंग करनी है और उसके बाद अपनी नोटबुक्स पर बहुत नीट सा करके एच लिखना है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेटर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।